यानी सोच लीजिए 8 टीम अभी बने हुए हैं और इस 8 में से और 2 टीम बाहर हो जाएंगे, यानी कुल मिलाकर 6 टीम रह जाएंगे। और 24 से जब 6 टीम बाहर हो जाते हैं 18 टीम है, और ये इन्हें इस 18 टीम को इंतजार करना होगा आने वाला फिर से 364 दिन यानी उरन प्रीमियर लीग सीजन 3 के लिए। और तब तक के लिए यही कहेंगे भैया सता ये तेरी, या सता ये तेरी उरन प्रीमियर लीग। नक्कीच यादगार अशी आपण आयोजनाची फळी पाहता आणि 365 दिवस वाट पाहावी लागेल आणि लीग स्टेजमध्ये अंतिम पडावपर्यंत काय होईल हे सांगू शकत नाही आपण। क्रिकेटची दुनिया ही न्यारी, आता कर रे तू तयारी, तुझा तुला नाही बंदी कोणाची, ही संधी मोलाची, नवी उम्मीद घेऊन आली आपल्या अभिमानाची। ये आवाज ये धोन या सताएगी और 5 बुलाएगी, लेकिन कौन सा टीम यहाँ पर करीब पहुंचेगा सुपर 6 से, क्योंकि सुपर 12 में देखिए जगह बनाकर है। जयेंद्र कड़ू देखिए आज सफल कप्तान रहे निश्चित रूप से, और प्रशांत कड़ू का वो इनिंग्स भी मैच फंसा था वहां पर, लेकिन वो मैच को जीते। लेकिन बात करेंगे ना उस टीम की, खास करके गेंदबाजी, आज मंदार के गेंदबाजी पर काफी प्रभावित किया रोशन सर, बात करेंगे क्या गेंदबाजी थी। लेकिन ये मैच भी देखिए बड़ा है, तो चलिए बात करेंगे यहां पर पिछला मैच शिकस्त अमित नायक घायल शेर, और उसके बाद बात करेंगे पिछला मैच जीत के साथ प्रथमेश मात्रे टाइगर जिंदा है। नो डाउट मैच में आएगा मजा, क्योंकि उरन प्रीमियर लीग में हर टीम हर खिलाड़ी बिल्कुल दिल जले। तो चलिए बैटिंग की तरफ चलेंगे यहां से, चलिए बात करेंगे अक्षता एंटरप्राइजेस आकाश 11 से। कुपरली टीम देखिए टॉस हारने के बाद यहां पर बल्लेबाजी मिला है और स्ट्राइक पर बैटर देखिए भाई अमित नायक टीम के सर सेनापति, और गेंदबाजी की बात करेंगे प्रथमेश मात्रे पिछले मैच का मैन ऑफ द मैच, और पहली गेंद पर वाह रे वाह, इसे कहते हैं पहली नजर में भाई, दिल नहीं चुराया दिल जलाया 6 रन। प्रथमेश फिर से एक बार तैयार, और उसके बाद देखिए प्रथमेश ने बता दिया ओ लाले यहां तो सब है दिल जले दिल जले दिल जले, बड़ा विकेट। और ज्यादा एग्रेसिव आक्रामक होने गए, और प्रथमेश मात्रे देखे भाई ये बता रहे हैं मेरे रास्ते पे बिछा हुआ बारूद को देख लेना, और मेरी गेंद को हमला करने से पहले मेरा पिछला मैच का हाईलाइट देख लेना, पिछला मैच में क्या हाईलाइट दिखाई उन्होंने अपनी गेंदबाजी से अपनी बल्लेबाजी से संघर्ष करता हुआ, कप्तान ने कप्तान को बाहर किया नए बैटर्स। और ये चलिए भाई ये भी आते ही बड़े हिट प्रसाद गावन देखे यहां पर तीसरे नंबर के लिए बल्लेबाजी के लिए उतरे हैं, तीसरा नंबर में सबसे तेज सबसे पहले एकमात्र बल्लेबाज वर्ल्ड के 10,000 रन बनाने वाले सर राहुल द्रविड़ी। और यहां पर बात करेंगे ना प्रसाद गावन तीसरा नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए हैं। बिग बॉस में देखिए बात करेंगे ग्लेन मैक्सवेल ने बता दिया कि सूर्या कुमार यादव की बोली लगाना बहुत मुश्किल, बहुत बड़ी कीमत ये, चलिए भाई प्रथम इसको यहां पर मिलता हुआ दूसरा सफल था, ये क्या हो रहा है बाबा ये क्या हो रहा है।
चलिए कमरिया लचके रे और प्रथमे से थोड़ा बचके रे। क्या बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, यही बात कर रहा था भाई आप जल्दबाजी में। और रोशन जी कहते हैं ना जल्दबाजी में हम अपना उम्मीद छोड़ देते हैं, लेकिन उम्मीद कभी छोड़ कर नहीं जाता। कहते हैं ना भरोसा क्या करना गैरों पर और जब चलना है खुद के पैरों पर। अगर आप एक दूसरे के बल्लेबाज के ऊपर भरोसा करते जाओगे तो फिर मुश्किल बनेगा। पृथ्वी मात्रे चलिए क्या गेंदबाजी कर रहे हैं भाई। कहते हैं ना तालाब से अगर छोटी छोटी मछली पकड़नी है ना तो सबसे पहले मगरमच्छ को बाहर निकालना पड़ता है। और उन्होंने अमित नायक के साथ साथ दो विकेट्स हो क्या भाई, छोटा गेंद यानी मुंडा गोरा रंग देखकर दीवाना हो गया। और बैटर शुभम देखिए यहां पर छोटा गेंद देखकर दीवाना हो गया छह रन। जी हमने बताया कि मुंडा गोरा रंग देख के दीवाना हो गया क्योंकि बैटर ने छोटा गेंद देखकर दीवाना हो गया। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी, लाजवाब मैदान में उतरे। सुबह मंगले देखे बात करेंगे और उसके बाद देखिए पहली गेंद की पर छक्का और वो भी प्रथमेश मात्रे के गेंद पर। ओहो चिंगो चिंगो, रोशन जी आइए जुट जाइए कॉमेंट्री बॉक्स पे। बहुत बढ़िया देखे, कभी बाजी इधर तो कभी बाजी उधर, इसलिए तो रोशन कहते हैं ना झूला जितना आगे भी जाता है ना उतना पीछे भी आता है। अगर एक गेंद तेरा है तो दूसरा गेंद मेरा है और टीम का स्कोर देखिए 13-2। क्या कहना चाहोगे यहाँ पर, सफलता मिला है लेकिन महंगे भी साबित होते हुए। नक्कीच पहिल्या चेंडू वरती अपन षटकार पाहिला, त्यानंतर तत्काल अपन कमबॅक ही पाहिलं, परंतु लगेच इथे षटकार येतोय म्हणजे मुंहतोड जवाब देण्याचा प्रयत्न पाहायला मिळतो। दोन गडी बाद 12 धावा, बिलकुल यही काम करना होगा। देखिये मुसीबत के समय शुभम ने यहाँ पर पड़ा हिट। कहते ना कद बड़ा ना पद बड़ा, मुसीबत में जो खड़ा वही सबसे बड़ा। डिफेंसिव साहब फील्डर ने नीचे क्यों है भाई, आपको और ऊंचा होना चाहिए था, जंप लगाना चाहते थे लेकिन टाइमिंग नहीं मिला और चौका मिला। प्रथमेश है नाखुश। आ गया भाई विकेट गिरा यहां पर, लेकिन उसके बाद अगर एक छक्का एक चौके दाग दिए। रोशन देखिए कहते ना एक दरवाजा बंद होता है ना दूसरा दरवाजा खोल जाता है। और शुभम ने आते ही बता दिया भाई फूलों का दुकान खोलूंगा और खुशबू की व्यापार करूंगा भाई, सिंगल डबल के चक्कर छोड़ चौके छक्के लगाकर दरिया पार कर। देखते हैं ये दरिया कितना मुश्किल बनेगा और कितना आसान बनेगा, आने वाला 24 गेंद बताएगा। डीजे मैडी देखिए पूरे मूड में आ चुके हैं और उन्होंने मोहरा का यहाँ पर सॉन्ग सुनाया और कहीं ना कहीं एकाक बल्लेबाज को मोहरा बनना होगा। कहते हैं ना अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ता है, जोखिम भी लेना पड़ता है, अगर बिखरना है तो फिर निखरना भी जरूरी है। लेकिन आने वाला 24 गेंद बचा है। पिछला मैच देखिए 53 रन को डिपेंड्स किया, यहाँ पर तारीफ करना चाहूंगा प्रथमेश मात्रे के गेंदबाजी, लेकिन इस बार देखिए 16 रन खर्च किए, लेकिन अच्छी बात है उन्होंने अमित नायक का विकेट निकाल दिया। गेंदबाज तैयार, और ये चलिए यहां पर खेलना चाहते थे मिड विकेट के ऊपर से, लेकिन बल्ला घुमा स्क्वायर लेग खुला यहां पर आता हुआ और 1-4 रन। और हम भी मैदान पर सिक्सर लगाए हैं। डीजे मैडी देखे बिल्कुल खूबसूरत है चौके के साथ की स्कोर आगे बढ़ता हुआ। अच्छा गेंद, अच्छा गेंद, राकेश टांडिल के देखिए पर इस्तेमाल किया जा रहे हैं और बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। और निश्चित रूप से मिस्यू सुधीर टांडिल का यहां पर यादें ताजा कर रहे हैं और उनके बंधु के सुपुत्र निश्चित रूप से
सुधीर तांडेल का देखिए इनर पेन है निश्चित रूप से, और कंचन सर देखिए बात करेंगे, एक एक खिलाड़ी का देखिए याद सता रही है। मैंने यही बात बताया जब यह रायगढ़ में आता हूँ, सुधीर तांडेल, मंगेश फड़के, जब ठाणे डोंबोली में जाता हूँ, मिस यू रिचि मात्रे, थोड़ा साझेदारी यहाँ पर बनना, ये अच्छी बात है, क्योंकि जिस तरह की दो विकेट यहाँ पर प्रथम इस मात्रे ने चटकाया था, लगा के टीम क्या बैकफुट पर जाएगा, लेकिन उसके बाद शुभम ने जो आकर इनिंग्स खेला, एक काफिले तारीफ, शुभम गिल एक यंगस्टर, एक उभरता सितारा, बतौर ओपनर हिंदुस्तान के लिए खेलता हुआ, लेकिन यहाँ पर शुभम देखिए यहाँ पर 10 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन उनका साथ दे रहे हैं इब्राहिम शेख, देखिए शुभम देखिए स्ट्राइक पर है, शुभम थोड़ा बल्ला जल्दी ले रहे हैं, गेंद रुक कर आ रहे हैं, और इब्राहिम शेख देखिए विकेट के बीच में और कितने तेज है, और दूसरा रन भी कंप्लीट। अच्छा सोच है कि इतना हाईवे में ट्रैफिक है तो गली के रास्ते से निकल जाइए भाई, हर गेंदकीपर चौके छक्के लगाना आसान नहीं रहता है, कहते हैं ना अगर प्यार आसान से मिलता तो मैं 1000 प्यार खरीद लेता, अगर चौके छक्के आसान से मिलते तो बैटर हर गेंदकीपर चौके छक्के लगा लेते। तो चलिए बात करेंगे, स्कोर जाकर पहुंच गया 23 रन, और जहां पर 2 विकेट गवाए हैं, और ये चलिए हल्के हाथों से खेला, यहां पर फर्स्ट स्लीपर फील्डर हैं, और बड़ी आसानी के साथ गेंद को रोका, लेकिन तब तक देखिए दोनों बैटर देखिए अपने जगह पर सुरक्षित, कुल स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया 23 रन, और आज किसका होगा खात्मा और कौन बनेगा विश्वात्मा। किसका होगा खात्मा कौन बनेगा विश्वात्मा, ये तो आने वाला वक्त समय ही बताएगा। और कंचन सर मैं हमेशा कहता हूं सांप में जहर हो या ना हो लेकिन जहरीला दिखना चाहिए, और यहां पर देखिए दोनों बैटर तो जहरीला बने हैं, और ये देखिए साझेदारी टूटा, एक अच्छा यहां पर शुभम बल्लेबाजी कर रहे थे, बैकफुट से आकर गेंद को छोटा बनाकर खेलना चाहते थे, लेकिन लेंथ बड़ा कमाल का था, गुल लेंथ में था, इसलिए वो पिकअप नहीं दे सके, मिडिकल पर कैच दे बैठे। चलो बिजली गिरी, यहाँ बिजली गिरी, छत्रपति शिवाजी महाराज का कहना था बिजली मारे तो गब्बल में ताप लो, अगर कोई दुश्मन आपको ज्यादा सताए तो उसे जड़ से उखाड़ दो। क्या बात है डीजे मैडी, यहाँ पर बिजली की याद दिलाए। तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर बल्लेबाज को, यहाँ पर डगआउट का रास्ता दिखा, रोशन क्या कहना चाहोगे, 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, स्कोर की बात करेंगे 23 लॉस ऑफ 3 विकेट्स। नक्कीच पहिल्या षटकामध्ये आपण टोटल 16 धाव संख्येचं योगदान पाहिलं, आणि त्यानंतर राकेश तांडेल या गोलंदाजानं चांगलं असं कमबॅक दाखवलं, आणि निश्चितच दुसऱ्या षटकामध्ये एक चांगली अशी आपण गोलंदाजी पाहिली, ती जय माता दी दिगोडे संघाच्या गोलंदाजाकडून, 3 गडी बाद 23 धावा धावपटलावरती पाहायला मिळत आहेत 2 षटकांच्या खेळीनंतर आकाश 11 कोपरुली संघाच्या वतीनं। बहुत बढिया लाजबाब लाजबाब, तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर चंद्रशेखर ठाकुर साहब देखिए, अक्षय कोहली साहब देखिए, एक तरफ हम देख सकते हैं पैकर्स के रूप में अक्षय इंटरप्राइजेस आकाश 11 कोपरल टीम, और दूसरी तरफ बात करेंगे जय माताड़ी दिगोड़े टीम देखिए बात करेंगे मयूर दादा घरत देखिए, यहाँ पर पिपला से देखिए आकाश दादा घरत भी मैच का आनंद ले रही है, स्वागत है उनका, एक बहुत बड़े ऑनर से रायगढ़ से किसी टीम लीजिए डम्बोली से लीजिए जब भी विवंटी में जाती है एक बहुत बड़े ऑनर के रूप में। चलेंगे मैच की तरफ यहाँ पर, चलिए बल्ला जल्दी ले लिए, गेंद ऑफ स्टंप को छोड़ता हुआ, और जय पवार सर का इशारा यहाँ पर वाइड का एक्स्ट्रा सिक्स रन आता हुआ, लेकिन रोशन जी कहते हैं ना एक्स्ट्रा रन से टोटल आगे बढ़ेगा मंचील नहीं, क्योंकि दूसरे के कंधों में हमेशा जनाजा उठाया जाता है, खुद के कंधों में जिम्मेदारी, और क्या जिम्मेदारी यहाँ पर लेने के लिए स्वेल मैदान पर आए हैं। लेकिन इब्राहिम सिंह की बात करेंगे ना, ये अभी तक बल्लेबाजी शुरुआत से आगे कर रहे हैं, मेरे हिसाब से गेंद के लाइन तक पहुंचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्ला जल्दी ले रहे हैं भाई, डॉट गेंद कम खेलना होगा भाई। बहुत बढ़िया देखिए 2 ओवर में रन लुटाने के बाद एक अच्छी वापसी, कहते ना हौसले के तस्कस में
अरे चले इस बार केन का लाइन रख दे छोटा स्लोर केन, लेकिन स्क्वेयर लेग से फील्डर आ रहे हैं, थोड़ा फाइन लेग में गेंद को रोका गया, लेकिन तब तक दोनों बैटर ने आसानी के साथ दूसरे रन मुकम्मल कर लिया। हौसले के तस्कस में कोशिश का तीर जिंदा रखो, हार सर पर भी हो जीत का उम्मीद जिंदा रखो। हर टीम देखिए यहाँ पर जीत का उम्मीद लेकर मैदान पर उतरे हैं। अगला मैच है, दिन का आखिरी मैच इंतजार हो रहा है, यहाँ से कौन टीम जीतेगा, सुपर 12 में पहुंचेगा, उसके बाद सुपर 6 के लिए वो मुकाबला रहेगा। और भूलना नहीं कल आने वाला सुपर संडे, हर सुपर 6 का मुकाबला होगा, हर टीम चाहेगा टॉप 3 में पहुंचे। पहला प्राइज देखिए जहां पर 2 लाख होगा कमाल की गेंद, और उसके बाद दूसरा 1 लाख, तीसरा 50,000, और उसके साथ साथ ही बात करेंगे हुंडा स्ट्री पम पम मैन ऑफ द सीरीज। तो चलिए कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं यहां पर सागर ठाकुर, और ये चलिए आखिरकार सागर ठाकुर के ऊपर हमला किए हैं, लेकिन फील्डर हैं वहां पर, और बढ़िया कैच यहां पर लिया गया, स्क्रीन सामने था लेकिन कमाल का कैच। क्या बात है, कांटा लगा। और रोशन जी मैं हमेशा कहता हूं, दोस्ती करना है तो कांटों से दोस्ती करो, फूलों से नहीं। कांटों चुपने के बाद भी याद रहता है, लेकिन फूल मुरझा जाता है। तो जोखिम लेना हमेशा पसंद करो, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी हमेशा कहते थे कि जोखिम लेते रहिए, कहीं मुश्किलें आएगी, कहीं आपका फॉर्म आउट ऑफ फॉर्म में जाएगा और कहीं आपके ऊपर दबाव आएगा, लेकिन हमेशा एक ही बात सोचना कि मेरे दोस्त पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि हमेशा क्रिकेट में देखिए आखिरी गेंद तक आपको जीत छोड़कर नहीं जाता है, दिल की आवाज को सुनो और वही तुम्हें विनर बनाता है। कांटा लगे या कुछ भी लगे, लगना चाहिए, यही चलिए यही बात कर रहा था, हमेशा अपने दिल की आवाज को सुनो, क्योंकि चमाना डालडा की ओहो नो बॉल और चौका, आड़ी भी बहुत बढ़िया इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए तो इनके नाम हम बार बार पुकार रहे हैं। चुम्मा चुम्मा दे दे नहीं, एक बड़ा हिट दे दे, लेकिन फ्री हिट का गेंद का फायदा नहीं ले सका, ये तो रहता है भाई। कभी कभी चीजें कहते हैं ना, मांगने पे मिलता नहीं है, लेकिन छीन कर हासिल किया जाता है। टीम का स्कोर थर्टी टू बत्तीस रन, देखिए 32 रन 4 विकेट खोने के साथ है। ऊपर की बात करेंगे, गेंदे बची हैं यहाँ से, आखिरी गेंद अंतिम गेंद। बैटर की बात करेंगे, देखिए दिनेश मंडा देखिए पर बल्लेबाज के लिए उतरे हैं, और उनका साथ देखिए यहाँ पर सोहेल दे रहे हैं। स्ट्राइक पर सोहेल दार पवार, ये चलिए भाई उड़ाया, वारे वाह यहाँ पर तुन्ना तुन्ना, अरे गेंद कहाँ गया मुन्ना, सरकार गेंद लॉन्गन के ऊपर से 6 रन। मोमेंटम हासिल करना चाहिए था यहाँ पर, और छक्का देके बात करेंगे सुहेल दर पवार, देखिए दागे यहाँ पर आते आते यहाँ पर टीम का स्कोर को पहुंचा दिया 38 रन। और बता दिए भाई कि उछाला मिल जाए अपनी टीम को, मैं अपना घर भी जला दूंगा, घर भी जला दूंगा, घर भी जला दूंगा, घर भी जला, यानी अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए मैं अपना सब कुछ लुटा दूंगा। और 4 विकेट खोने के बाद देखिए औसतम देखे 3 ओवर में 38 रन करण, या भिवंडी वाले ने सवाल
क्या बात है, ही खासियत है डीजे मैडी यांची, अप्रतिम अप्रतिम टाइमिंग सॉन्ग इथे पेशकश करतायत, आपले मनपूर्वक आभार. आपण पाहत आहात उरण प्रीमियर लीग 2000. या स्पर्धेचा सांगता सोहळा 27 नोव्हेंबरला पाहायला मिळेल. कोण होणार या स्पर्धेचा चॅम्पियन? हु इज अ लकी गाईज? उरण प्रीमियर लीगची मानाची ट्रॉफी कोणाच्या नावे जाईल हे पाहावं लागेल. कोणता संघ नाही, कोणता संघ मालक त्या ट्रॉफीला चुंबन घेईल? अनेक प्रश्नचिन्ह करणं, मातब्बर तगडे स्टारकास असलेली लिस्ट प्रत्येक संघामध्ये आपण सातत्यानं पाहिली. आज या स्पर्धेचा 6वा दिवस पाहता आणि या 6व्या दिवसामध्ये सुद्धा रोमर्षक पद्धतीनं आपण लढती घडताना पाहिल्या. पहिल्या 3 षटकांचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर 4 गडी बाद 38 धावा धावपटलावरती लागल्या आणि आता मात्र गोलंदाजीच्या बोहल्यावरती येतोय. जय माता दी दिगोरे टीमचा गोलंदाज येतोय बॉलिंग ट्रॅकवर. प्रथमेश मात्रे, पहिलाच बॉल सुरेख फटका, सर सचिन रमेश तेंडुलकर स्टाईल अप्पर कट पाहायला मिळते. चेंडू सीमा पार, 4 छक्का. काय कहाणी राहिली या चंडुगणीकरण गोलंदाजाच्या चंडुगणीक पाहिलेली आपण उसळी आणि त्याच्या वेगावरती स्वार होत हा अप्परकटचा फटका खेळला बॅटिंग मार्गवर दिनेश बंडा. आक्रमक आक्रमकतेने खेळताना पाहायला मिळतो. ओहो, आगल्या वेगळ्या पद्धतीने फटका खेळायचा होता फाईन लेगला, परंतु यशी रक्षक चुकले. बॅक टू बॅक येत आहेत इथे 2 चौकार 22 चा 4. सुरेख सुरेख पद्धतीने आता मात्र धावत संख्या इथे बनताना पाहायला मिळते. पहा चेंडू ज्या पद्धतीने सफर झाला, फलंदाजाच्या बॅटला चेंडू ब्रश झाला नाही, परंतु यष्टीरक्षकाने चेंडूला जज करणे ही गरजेची बाब होती आणि त्यानंतर पाठोपाठ येत आहेत 2 चौकार. अक्षदा इंटरप्राइजेस आकाश 11 कोपरोली संघासाठी हे दिलासादायक ठरलं जाईल, कारण जिथे धावत संख्या रखडली होती आता धावत संख्या बनायला मात्र सुरुवात झाली आहे. ओहो, सुरेख पद्धतीचा फटका बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या दिशेनं दागण्याचा प्रयत्न होता, परंतु फक्त या चंडुगणिक धाव कंप्लीट झाली ती निश्चितच सिंगल. 5 सिंगल डबलला प्राधान्य देणं आणि त्यानंतर येणारे चौकार षटकार हे मात्र नेहमीच महत्वाकांक्षी भूमिका बजावताना आपण टेनिस क्रिकेट जगतामध्ये पाहिलं आणि तेच कार्य पाहायला मिळतं ते अक्षता इंटरप्राइजेस आकाश 11 कोपरोली संघाच्या वतीनं. परंतु जय माता दी दिगुडे संघाच्या प्रथमेश म्हात्रेनं तात्काळ कमबॅक दाखवलं. 3ऱ्या चेंडूवरती फक्त पाहायला मिळते ती सिंगल. समोर बॅटिंग मार्कर आता पाहायला मिळेल तो सोहेल धार पवार. त्यालाही त्याची पॉवर दाखवावी लागेल, धाडावं लागेल या मॅचमध्ये. 1 चेंडू 7 धावसंख्येवरती खेळतो सोहेल, तर एकीकडे 5 चेंडू 10. दिनेश बंडाला पाहिलं, लाऊड साऊंड इथपर्यंत ऐकू येतो. झटका क्रमांक 5. आता मात्र दहाडतोय. पहिले 2 चेंडू खराब झाल्यानंतर तात्काळ 3ऱ्या आणि 4थ्या चेंडूवरती या गोलंदाजानं घरवापसी दाखवली आणि निश्चितच एक चांगली अशी खेळी करणाऱ्या फलंदाजाला मात्र माघारी परतवण्यामध्ये यश मात्र प्राप्त केलं गेलं. फलंदाज बाद झाले सोहेल आणि त्यानंतर येणाऱ्या फलंदाजाला चांगली खेळी करावी लागेल. 47 धावा धावपटलावरती लागल्या, 5 गडी बाद, परंतु आता आक्रमकतेने खेळ साकार करायचे. प्रथमेश मात्रे विरोधात विस्फोटक पद्धतीचे फटके हे खेळावे लागतील. क्षमता आहे, कुवत आहे, ती पॉटेन्शियल इथे सिद्ध करावे लागेल. इनसाइड आउटचा हा फटका पाहायला मिळतो. एका हातामध्ये चेंडूला जज करण्याचा प्रयत्न होता, आवा कॅचच्या बाहेर. मिळतील 4 4 4 चौकार.
पा अंतिम चरणामध्ये चांगले फटके येणं गरजेची बाब आहे, ते फटके मात्र येत आहेत आता, मात्र वेगावरती स्वार होणं गरजेची बाब होती। डॉट बॉल ची पाहायला मिळते समाप्ती, आणि अशा रीतीनं पहिल्या चार षटकांचा खेळ संपुष्टात आल्यानंतर पाच गडी बाद आकाश इलेव्हन कोपरोली संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 51 घरात। शिव संघे जिद्दीने ते माव ॲड होतील। धावसंख्या धावपटलावरती आग ओकतीये, टोटल 65 धावा धावपटलावरती लागल्यात, अजूनपर्यंत 2 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे। व्हाईट बॉल आपण पाहिला अलीकडे, इथे प्रहार केलाय, सुंदर फटका खेळलाय, सुंदर फटकेबाजी UPL सिक्सर। धावसंख्येचा मळा आता मध्ये फुलवताना हा फलंदाज, अखेरचा षटकातील हा अखेरचा आपण चेंडू पाहू शकाल, आणि या चेंडूगणिक अमित पाटीलला कमबॅक करावं लागेल। लास्ट बॉल, अंतिम चेंडू होता, इथे मोठी चपराक लगवण्याचा प्रयत्न होता, परंतु अशा रीतीनं पहिल्या पूर्वार्धाचा खेळ समाप्त होतोय, आणि पहिल्या पूर्वार्धामध्ये गुणतालिकेवरती धावा आपण बनताना पाहिल्या, अक्षता इंटरप्राइजेस आकाश इलेव्हन कोपरोली संघाच्या टोटल धावा स्कोर कार्डवरती पाहायला मिळत आहेत 71, आणि जिंकण्यासाठी 72 धावसंख्येची आवश्यकता आहे। ती जय माता दी दिगुड टीमला, डीजे म्युझिक, डीजे माडी। रनों के टारगेट है, ये टारगेट बहुत बड़ा कहा जाएगा निश्चित रूप से। कहते ना, आपने सीसा का महल तो बना लिया लेकिन जमाना पत्थर का है। टेनिस क्रिकेट में कितना भी रन बना लो, ये टेनिस क्रिकेट चौके छक्के का है। और दिनेश मांडर ने क्या कमाल की बल्लेबाजी की, आखिरी समय में कुछ रन जोड़ दिए और अंतिम ओवर को टारगेट बना लिया। जहाँ स्लो ओवर में कहते ना रन बचाना बहुत मुश्किल होता है, और बल्लेबाजों ने ऊपर लौट लिया है अपरा। और रोशन जी, मुझे लगता है शुरुआत में अच्छी बल्लेबाजी करना होगा मैंडेटरी पावर प्ले में खास करके। नक्कीच, ज्या पद्धतीने पहिल्या पूर्वार्धामध्ये धावसंख्या यायला हवी होती ती धावसंख्या बनली आहे, ज्या पद्धतीने धावसंख्या फुलली आहे त्याच पद्धतीनं हे आयोजन सुद्धा टेनिस क्रिकेटच्या पटलावरती इथे फुलताना पाहायला मिळतो। हां बिलकुल, देखिए 24 लाईव्ह इव्हेंट के माध्यम से देखिए ये मॅच देखने को मिल रहा है। और रोशन बात करेंगे ना, यहाँ पर देखिए टारगेट तो बहुत बड़ा है लेकिन ये मैच भी टूर्नामेंट भी बहुत बड़ा है। उरन प्रीमियर लीग मैंने पहले बताया टूर्नामेंट का, देखिए कल आखिरी दिन होगा। और अतुल सेठ मडवी साहब, देखिए इनके जितने भी मैं जिक्र तारीफ कर लूँ शायद उतना ही कम, कि इतना हर जंगल में आपको चंदन नहीं मिलता है, चंदन कहीं कहीं मिलते हैं। उरन के खिलाड़ी को हमेशा देखिए ओपन में गाओ, देखिए गाउठन टीम के लिए कई युवा खिलाड़ी को प्रशांत कड़ू ने भी आज जिक्र किए। चलिए दो बैटर को भेजना का मैच स्पीडअप कीजिए। रोशन आप भी एक सिंगर हैं, काफ़ी टूर्नामेंट में हमने आपके सुन देखे हैं, काफ़ी कभी आप लिखते हो,
कभी टूर्नामेंट के लिए, ऑर्गेनाइजर कमेटी के लिए, क्या आप यहाँ कुछ तैयारी के साथ आए हो अतुल सेठ मंडवी यानी उरन प्रीमियर लीग के लिए? नक्की, ज्या पद्धतीनं क्रिकेट रसिकांची मन जिंकणारा हा आपण उरण प्रीमियर लीगचं दुसरं पर्व पाहता आणि या दुसऱ्या पर्वामध्ये युवा सर्व पाहायला मिळत आहेत आणि या स्पर्धेसाठी चांगल्या पद्धतीचं आपल्याला योगदान पाहायला मिळतं ते अतुलजी मडू यांच्या माध्यमातून आणि माझ्या लेखणीच्या माध्यमातून मी एकच म्हणेन, सध्याचा सीझन सुरू होतोय क्रिकेटच्या स्पर्धांचा, असाच एक थाट रंगतो इथे उरण प्रीमियर लीग चषकाचा, गावदेवी गावठाण क्रिकेट संघाच्या मानाचा, उरणकरांच्या सन्मानाचा, उरण प्रीमियर लीग साठी चिरले नगरी आज पूर्णपणे नाहून गेली अशी स्पर्धा योजली आमच्या अतुल दादा मडवींनी, असा हा नेता आमचा झुंजार, लय 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 हो गुनी। बिलकुल बिलकुल, अतुल सेठ मडवी सर देखिए इनके बारे में मैंने पहले ही बताया और इस उरण प्रीमियर लीग को देखिए कामयाब के मुकाम तक पहुंचाने के लिए आपने सही बताए, सुबह से लेकर देखिए शाम तक पूरी तैयारी में रहते हैं और अच्छा श्रेय जाता है, फूल तो टूटकर बिखर जाएगा, खुशबू हवा में रह जाएगा। उरण प्रीमियर लीग देखिए यहाँ से अलविदा ले लेगा आने वाला कल का दिन, लेकिन 364 दिन तक इसकी खुशबू, इसकी हवाएँ, इसकी यादें ताज़ा करेगी। लेकिन काफ़ी जल्दी देखिए इसे मैदान पर काफ़ी नाइट मुकाबला आ रहे हैं और जिसने बताया कि राठी इंटरप्राइजेस का भी मुकाबला आ रहा है 5 जनवरी से, ओपन ग्रामीण का टीम देखेंगे और उसके साथ देखिए फेब्रुवरी महीना में अतुल सेठ मडवी सबका देखिए ग्रामीण ओपन की एक बड़ी टूर्नामेंट आप लोगों के सामने आ रहे हैं। उससे पहले देखिए 2 दिवसीय टूर्नामेंट चैतन्यंजय मडवी जी का भी निश्चित रूप से आ रहे हैं। लेकिन उत्तम उत्तम पद्धति से अपन ये आयोजन पाता, निस्सीम प्रेमाचं मूर्तिमंत प्रतीक म्हणजे ग्रामीण टेनिस क्रिकेट आणि त्यातल्या त्यात आपण प्रीमियर लीगचा आपण हंगाम पाहता, आयोजकांच्या आयोजकांच्या जादूहीन मेहनतीने साकार होणारी ही उरण प्रीमियर लीग स्पर्धा पाहता आणि आता मात्र उत्तरार्धाचं बिगुल वाजलं, गेम ऑन, गेम स्टार्ट, गोलंदाज तयार, पहिलाच बॉल गतीमध्ये परिवर्तन केलं गेलं, व्हाइट बॉल पाहायला मिळतो गोलंदाजाकडून। चलिए टार्गेट बड़ा है तो चलिए अंपायर से ज्यादा बहस मत कीजिए क्योंकि कहीं कहीं ऐसा डिसीजन है उसे वापस नहीं लिया जा सकता है, उसे रेफर नहीं किया जा सकता है। वाइट गेन है जिसमें देखिए यहाँ पर रन यहाँ पर अकाउंट पर आएगा लेकिन बल्ले से नहीं, एक्स्ट्रा के रूम में गर्मा गर्म चाय देखिए आता हुआ, चाय है कड़क, बल्लेबाजी कीजिए बेधड़क तब जाकर आपको 72 रन मिलेगा क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक है। मैंने इसलिए कहा ये टूर्नामेंट देखिए कंचन सर कल मिस करेंगे निश्चित रूप से, बड़ा अच्छा लगा जब टूर्नामेंट का पहला दिन जुड़ा था और धीरे धीरे ये रिश्ता और मजबूत होते गया, बहुत बेमिसाल लगा नहीं कि आज मैं तीसरा दिन टूर्नामेंट में जुड़ा हूँ, ऐसा लग रहा है कि पूरा दिन जुड़ा हूँ निश्चित रूप से। और सुदर्शन सर की भी तारीफ करना चाहूँगा, बहुत बढ़िया स्कोरिंग 24 इवेंट लाइव और जितनी भी टीम देखें खिलाड़ियों का भी मैं तारीफ करना चाहूँगा। देखिए कहते हैं ना बड़ी बड़ी शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, क्रिकेट में तूतू में होता रहता है, लेकिन बहुत बढ़िया साथ मिला खिलाड़ियों का भी, पूरी ओनर का भी तारीफ होना चाहिए जिस तरह की उन्होंने टीम को पैक किया, उसके साथ पूरी टीम को तैयारी के साथ लाए, श्रेय जाता है, बहुत बढ़िया। देखिए कामयाबी का मंजर है, इसलिए तो कहा अतुल दादा की बात करेंगे ना, इनके हाथों में उरण प्रीमियर लीग छोड़िए भाई, इंडियन प्रीमियर लीग भी लाकर रख दीजिए, ये सक्सेसफुल बना देंगे क्योंकि वो इतनी शान से काम लेते हैं ना, उनका सफलता भी शोर मचा रहा है। रोशन जी हर किसी की बस की बात नहीं होता है, आज इतनी बड़ी प्रीमियर लीग यहाँ से चलता हुआ और उसके साथ देखिए कई सितारे उभर कर आ रहे हैं और ये देखिए फुल लेंथ का खेत में आप कैच दे बैठे, मुश्किल यही रहता है और बड़ा विकेट हो चिंगो चिंगो। मदद है अभय पाटोल सर क्योंकि जानते हैं मैच भी बड़ा है, बैटर भी बड़ा है, दोनों टीम के लिए ये विकेट बहुत बड़ा है। चलिए बैटर को यहां पर आउट होना होगा, बहुत बढ़िया देखिए अभय पाटोल सर, लेकिन यहां पर प्रथम इसका भी तारीफ करना चाहूंगा, नो कमेंट्स, बड़े खिलाड़ी की देखिए एक पहचान भी होती है। रोशन जी थोड़ा देखिए जब यहाँ पर टेक्नोलॉजी है तो प्रथमेश ने सहारा लिया लेकिन देखिए जैसे आउट यहाँ पर अंपायर दिए और सीधा देखिए वो डगआउट की तरफ जा रहे हैं, बहुत बढ़िया ये होना चाहिए। कहते हैं ना अच्छे खिलाड़ी तभी आप बनते हो जाकर, कभी कभी हमें किसी टूर्नामेंट का भी ध्यान रखना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। अंपायर भी देखिए भाई ये भी वही मिट्टी से आए हैं, हम जहाँ से पैदा हुए हैं वो भी वहीं से पैदा हुए हैं, इंसान है भाई, कभी कभी ऊपर नीचे होता रहता है,
लेकिन कभी नाखुश नहीं होना चाहिए। आज सचिन रमेश तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान गट क्यों कहा जाता है, 34,357 रन बनाए और उसके साथ साथ और इसलिए देखिए प्रथमेश मात्रे की तारीफ करना चाहूँगा यहाँ पर। अभय पाटिल सर आपकी नज़रें भी काफ़ी बहुत बढ़िया तेज है, काफ़ी साल से देखिए अंपायरिंग करने के साथ साथ काफ़ी घाट के पानी पी चुके हैं निश्चित रूप से, और इन्हें कल का दिन यहाँ पर मतलब काफ़ी शहर वो घूम चुके हैं, काफ़ी टूर्नामेंट में घूम चुके हैं। घाट कहा जाते हैं जो जैसे कम कहते हैं ना नदी की घाट कहा जाते हैं। और ये चलिए सफलता मिलने के बाद गेंद देखिए नया गेंद है, कहते ना जहाँ चिकना है वहाँ थोड़ा टिकना मुश्किल है, और प्रथम इस मात्रे का विकेट गिर जाना कहीं ना कहीं सपना को चकनाचूर कर देना, क्योंकि टारगेट था बहुत बड़ा लेकिन विकेट भी गिर गया बहुत बड़ा। लेकिन हिम्मत यहाँ से नहीं हारना चाहिए। अमित नायक का विकेट गिरा था उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखे होंगे बल्लेबाज, लेकिन वो थे पहला इनिंग के बाद सेकेंड इनिंग्स। गेंद को देखिए भाई, सोचिए समझिए, गेंद से मुलाकात कीजिए। कंचन सर यूं ही लोग शादी के बंधन में नहीं बनते हैं, पहले रिश्ता देखा जाता है, घर जाते हैं, चाय पानी होती है, फिर बात आगे बढ़ती है, उसके बाद शादी के बंधन में बढ़ते हैं। तो उसी तरह से पहले गेंद को देखिए, सोचिए, परखिए। प्रसाद भोईर सर, विपुल सर देखिए दोपहर के लंच के बाद फिर से एक बार कॉमेंट्री बॉक्स में उनका स्वागत है, एक मैच बचा है। और ये चलिए ऑफ ड्राइव, यही सोचना होगा भाई, क्योंकि डर तुझे कैदी बना कर रखेगा, खुलकर बल्लेबाजी कर, गुरुत्व आंद्रे रसल बनेगा, आंद्रे रसल बनेगा। क्या बात है, कॉलेज वाले थे नहीं याद दिलाते हुए डीजे मैडी, लेकिन डीजे कॉलेज के गले में भी कभी कभी अजीब सा खेल होता है, बुक के जगह लव लेटर होता है, इसलिए पप्पू हर साल फेल होता है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पास होना होगा आपको, फेल हुए तो फिर बाहर जाना होगा। दोनों टीम के लिए बड़ी इच्छा, रन लिए यहाँ पर मौका बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए। और रोशन सर मैं हमेशा कहता हूँ, अपनों को धोखा, दुश्मन को मौका। और जहाँ पर देखिए रनों की बात करेंगे, देखिए यहाँ से पहला ओवर खेल देखिए यहाँ से कंप्लीट होता हुआ, और 8/1 क्या कहना चाहोगे, 72 का पीछा आप कर रहे हो, क्या इस तरह से काम चलने वाला है, मेरे हिसाब से शायद मुश्किल। पा मोट्या लक्ष्याचा पाटला करत असताना पहिल्या षटकामध्ये एक गडी बाद 8 धावा अशी आपण स्थिती पाहता, जय माता दी दिगोडे टीमची। परंतु आता आक्रमकतेने खेळाची व्याप्ती इथे आखावी लागेल, कारण जिंकण्यासाठी 24 चेंडू आणि 64 धावसंख्येची आवश्यकता आहे ती जय माता दी दिगोडे टीमला। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर देखिए बात करेंगे हमारे अतुल सेठ मणिवीर साहब, देखिए आप देख सकते हो बड़ी स्क्रीन पर जहाँ पर बैठ कर थोड़ा समय कहूँगा, यहाँ से इत्मीनान का मैच से मजा ले रहे हैं, क्योंकि अतुल दादा ज़रूरत है तुम्हारी उम्र भर के लिए, यूँ ना जाना पल भर के लिए, हमारे दिल में रहना, हमारे एहसास बनकर, और हमारे उरन प्रीमियर लीग को ऐसे आगे बढ़ाना हमारे मुख्य अध्यक्ष बनकर। यशाचं गमक पाहता उरन प्रीमियर लीग पर्व क्रमांक दुसरं मोठ्या थाटामाटामध्ये आपण एन्जॉय करतोय, आणि कधी 6 दिवस गेले समजले नाही, त्याने उद्या या स्पर्धेचा सांगता सोहळा पाहायला मिळेल UPL। बहुत बढिया, देखे यो वीकली समाप्त होता हुआ, आणि बला कल सुपर संडे सुपर 6, लेकिन से यहां से कौन सा टीम जाएगा सुपर 12 में, और सुपर 12 में इंतजार कर रहे हैं जयेंद्र कड़ुपुरी उनकी टीम। बहुत बढ़िया, देखिए टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए यहाँ पर देखिए सिंगल डबल से टोटल आगे बढ़ा रहे हैं, मजबूरन मुझे फिर से वो बात बताना होगा कि सिंगल डबल से काम चलने वाला नहीं है। कौवा कितना मर्ची वॉशिंग मशीन से नाले भाई, वो सफ़ेद नहीं दिखेगा, और सिंगल डबल से कितनी भी कोशिश करें मंजिल नहीं मिलेगा, और मंजिल तक पहुँचने के लिए यही काम करना पड़ेगा, गाड़ी की स्पीड बढ़ाना होगा, पम पम 4 रन। है रोशन जी, रोटी हुई हसीना को जो मना ले उसे आशिक कहते हैं, और हारी हुई बाजी को जो जीत दिला दे उसे बाजीगर कहते हैं। क्या अमित पाटिल सुप्रीम पाटिल यहाँ पर है, एक अच्छा बनेगा साझेदारी,
क्या बाजीगर वाले बनेगी साझेदारी, क्या उस साझेदारी को तोड़ने में यहां पर सोहेल यहां पर कामयाब होंगे। चलिए अच्छे गए, चौके खाने के बाद बहुत बढ़िया वापसी। इसे कहते हैं बादाम खाने से उतना अकल नहीं मिलता है गलती करने से जितनी अकल मिलती है। इसलिए कहते ना जिंदगी में ठोकर खाकर कभी उदास मत होना, ठोकर ही अक्सर इंसान को चलना सिखा देता है। अक्सर हम कहते हैं ना जब कोई खिलाड़ी कैच छोड़ता है तो हम उसके ऊपर बरस जाते हैं, अगर एक तो डॉट गेंद खेल दिया तो बल्लेबाज के ऊपर बरस जाते हैं, लेकिन ये क्रिकेट यही पहचान है भाई। बढ़िया गेंद, विकेट के जड़ में रख रहे हैं गेंद। कहते हैं ना वाटर के बिना जी नहीं सकते, स्कूटर के बिना कहीं जा नहीं सकते हैं, और बगैर यॉर्कर बाउंसर से आप बल्लेबाज को रोक नहीं सकते हैं। बिल्कुल विकेट के जड़ में गेंद रखने की कोशिश, सिंगल के साथ टीम का स्कोर देखिए जाकर पहुंचा 14 रन। देखिए बात करेंगे, एक सफलता हाथ लगा है, अतिशय तीक्ष्ण धारदार अशी अपन गोलंदाजी पाहतो। गोलंदाज सोहेल ज्याचा दरारा पाहतो, इथे प्रहार करण्याचा प्रयत्न पाहायला मिळतो, रिंगण तोडता आले नाही, फक्त सिंगल पाहायला मिळते। डायरेक्ट लीड झाली असती, माघारी जावं लागले असतं, परंतु थोडीशी खराब फेकी पाहतो आणि तात्काळ 2 धावसंख्येची जमापुंजी होते। धावसंख्येची जमापुंजी पाहिली तर एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये टोटल जय माता दी दिगोडे संघ जाऊन पोहोचतोय 16 घरामध्ये। तो चलिए बात करेंगे, रोशन जी कहते ना दिल में सोचने से कुछ होता नहीं है, रात में बुलाने से कोई जागता नहीं है, जो भी करना है आपको बची खुची गेंद के अंदर करना होगा। यहां से वक्त चला गया तो फिर मुश्किल 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 बनेगा भाई। यहां पर बात करेंगे ना रोशन, ये नहीं हम कहेंगे कि बल्लेबाजी चौके छक्के की कोशिश नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं उससे भी अच्छी गेंदबाजी हो रही है। लेकिन यहां से देखिए 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। मैंडेटरी पावर प्ले, खास करके बल्लेबाजी को यहां पर जरूरत था जब बास्तर के पीछे कर रहे थे, लेकिन देखिए मैंडेटरी पावर प्ले में आपने केवल 17 रन हासिल किए हैं। अभी देखिए 18 गेंद जीत के लिए 55 रनों की जरूरत है, कुछ कहा नहीं जा सकते। क्रिकेट ही दोस्तों अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल, आपने देखा होगा 2007 में जब वर्ल्ड कप खेला गया था T20 वर्ल्ड कप, 18 गेंद के ऊपर 55 रनों की जरूरत थी, तभी मिसबाहुल हक ने क्या हमला किया था। मैच सुपर ओवर में पहुंचा था, लेकिन सुपर ओवर में बॉल आउट से हिंदुस्तान टीम ने मैच जीता था। लेकिन ऐसे मुकाबला और एक याद दिला देना चाहूंगा, हिंदुस्तान श्रीलंका के बीच में खेला गया था जब तिलक रत्न डिल्सन कप्तानी कर रहे थे, विकेट कीपिंग कर रहे थे, और तभी देखिए 2 भाई जोड़ी हिंदुस्तान का, यीशु पठान इरफान पठान ने आखिरी 18 गेंद के ऊपर 58 रन जोड़े थे। तो यहां पर देखिए 18 गेंद के ऊपर आपको 55 रन जोड़ना है, और इसी मैदान का ऊपर बात करेंगे। यहां पर इतिहास बनते हुए हमने देखे हैं, इतिहास टूटते हुए देखे हैं, क्या लगता है रोशन यहां पर आने वाला ये ओवर कितना बड़ा बनना चाहिए? त्याच परिस्थितीमध्ये ही आपण मॅच पाहता आणि इथून नाट्यमय घडामोडी घडतील यात काळीमध्ये शंका नाहीये, कारण 18 चेंडू जिंकण्यासाठी 55 धावसंख्येची आवश्यकता आहे। दिल्ली अजूनपर्यंत दूर आहे, जो प्रवास हार्बर लाईनने केलाय तो आता बाबूशा इथे बुलेट वेगळं करावा लागेल, बुलेट स्ट्रोक इथे ठोकावे लागतील। बिल्कुल, देखिए गलती को भूल जाइए, सबक को याद रखिए, पहला 12 गेंद में क्या कुछ हुआ उसे भूल जाइए, अभी 18 गेंद में क्या करना है, 18 गेंद में क्या करना है। लेकिन कमाल के गेंदबाज, गेंदबाज देखिए अपना काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन बल्लेबाज थोड़ी सी निराश कर रहे हैं। अभी भी देखिए 17 गेंद 55 की जरूरत है, अगर ये ओवर में रन नहीं आए तो फिर मुकाबला में बहुत इतनी दूर रह जाएंगे जहां से करीब आना मुश्किल। 5 जागेवरून फटके खेळणं कुठेतरी अंगलट येतं स्वप्नील पाटीलच्या, परंतु विस्फोटक अंदाज पेशकश करावा लागेल। खेळपट्टीच्या मधोमधा चेंडू अदलला, बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या दिशेने चेंडू दागण्याचा प्रयत्न होता, फक्त सिंगल सिंगल डबल काम तमाम होणार नाहीये, बिना दिवाळीचे रॉकेट सोडावे लागतील बॅटिंग मार्कर जय माता दी दिगोरे टीमच्या स्वप्नीलला आणि अमित पाटीलला। बिल्कुल कहते ना पैसान से मिला हुआ काम कुछ दिन का रिले रहता है, मेहनत से मिला हुआ काम लॉन्ग टाइम रहता है। आपको उरन प्रीमियर लीग में मौका मिल रहा है, देखिए कई खिलाड़ियों का रिकॉर्ड हिस्ट्री देखकर, लेकिन आप बेहतर काम नहीं करते हो तो फिर कंसर्न अगले साल ऑक्शन में फिर आपका नीलामी भी कभी कभी मुश्किल हो जाता है। कहीं हमने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को भी देखा है इस हालत से, इस रास्ते से गुजरते हुए, कहीं आपके साथ वो हालत ना बन जाए। पूर्णपणे शांत क्रिकेट पाहायला मिळतं, गोलंदाज शुभम इंगले सुशोभित अशी गोलंदाजी या गोलंदाजाकडून साकार केली जाते, तर अक्षदा एंटरप्राइजेस आकाश 11 कोपरुली संघासाठी दिलासादायक ठरली। अगली पेशकश बॅट चिकडा पाहायला मिळते, अप्रतिम जेल फर्स्ट स्लिप मध्ये पाहतो आणि इथे झटका क्रमांक 2 जय माता दी दिगोरे टीमला आणि इथे खेळाडू बाद होतोय दिगोरे टीमचा स्वप्नील पाटील। मैं निकला गड्डी लेकर रास्ते पर वो सड़क पर, लेकिन रोशन जी कहते ना सड़क चाहे जितनी भी साफ हो
भूल होता है जरूर, बैटर चाहे जितना भी बड़ा हो गलती करता है जरूर। प्रथम इस मात्रे की गलती तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन एक तरफ से देखा जाए तो यहाँ पर टीम बता रहे कि उनके ऊपर कितना निर्भर था, लेकिन एकाक खिलाड़ी की उम्मीद से आप पूरी टूर्नामेंट नहीं जीत सकते हो। अगर पूरी टूर्नामेंट आपको जीत रहे तो 11 खिलाड़ी को मेहनत करना होगा। 19 पर 2, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर शिकंजा भारी गेंदबाजों ने देखे यहाँ पर आकाश इलेवन से कपूर टीम देखे शिकंजा करते जय माता दी तिकोड़े। टीम के लिए ये काम मुश्किल बनते जा रहे हैं। फलंदाजांच्या रस्त्यामध्ये काटे विसण्याचा प्रयत्न राहिला गोलंदाजांकडून, परंतु याच काट्यातून प्रवास गाठ ध्येय व्याप्ती ही करावी लागेल। पा अजिंक्यपद जिंकण्याच्या ईर्षेने हे दोन संघ आमने सामने खेळत आहेत आणि इथून जिंकावंच लागेल, कारण लाखो रुपयांचा खर्च असतो प्रीमियर लीग मध्ये, आणि इथून संघ मालकाला खुश करायचा असेल तर चांगले फटके हे ठोकावे लागतील या फलंदाजांना। ओहो सुंदर सुंदर चेंडूंची आपण फेकी पाहता, डॉट बॉल ची समाप्ती, प्रत्येक डॉट बॉल खूप काही दबाव छेडेल, आणि अशा रीतीनं पहिल्या 3 षटकांचा कार्यकाल समाप्त झाल्यानंतर गुणतालिकेवरती धावा जाऊन पोहोचत आहेत जय माता दी दिगोडे संघ 2:19। प्रत्येक उरणकर म्हणत असेल आय लव यू उरण प्रीमियर लीग। नहीं बिल्कुल उरण प्रीमियर लीग देखिए, जिसकी पहली प्राइज देखिए 2 लाख, सेकंड प्राइज देखिए 1 लाख, उसके साथ 50,000, 3 देखिए स्पोर्ट्स साइकिल हम देख सकते हैं, और उसके साथ देखिए यहाँ पर आप मोटर बाइक देख सकते हैं। रोशन क्या कहना चाहोगे आपके अंदाज में? नक्कीच मी गीतकार म्हणून माझ्या लेखणीतून मी एकच म्हणेन, कसे लोटले एक वर्ष उभे ठाकलो दुसऱ्यात, स्पर्धेच्या या नियोजनासाठी झिजले सारे दिनरात, ग्रामदेवता गावदेवी आमची जिचा शिरावर राहत, उरण तालुक्यातील प्रत्येकाची इथे मिळाली आम्हाला साथ, पुढे जाता 3 वर्ष तिरंगी महोत्सवी क्रिकेटचं नाद, राधे मैदान चिरले इथे इतिहासाची देतोय साक्ष UPL। बिल्कुल बिल्कुल, सी उरण प्रीमियर लीग बता रहे हैं, हम इतिहास बताने नहीं आए हैं, हम इतिहास रचने आए हैं। कहते हैं ना यहाँ पर समंदर की लहर चाहे जितना भी ऊपर उठे कभी आसमान नहीं छू सकते, सिंगल डबल से देखिए कामयाबी नहीं मिल सकती है। अतुल सेठ मडवी साहब क्या बढ़िया देखिए, कामयाबी की दरवाजा उन्हीं के लिए खुलता है रोशन जो से खटखटाने की ताकत रखते हैं, गाँव देवी गाउटन क्रिकेट संघ। अतुल सेठ मडवी देखिए बड़ा बिग शो पाहू शकाल, 12 चेंडूने जिंकण्यासाठी 53 धावसंख्येची आवश्यकता, राजेशाही थाटामध्ये ही मॅच येऊन ठेपेल की काय असे संकेत वाटू लागलेत, परंतु विस्फोटक अंदाज आजमावणं गरजेची बाब आहे। चलिए मॅच देखे इतना गरमागरम नाही आहे, लेकिन गरमागरम और एक चाय पिना चाहेंगे, चाय भले थोडीशी कॉमेंट्री बसवर फिर से वापस है। चाय है कडक लेकिन बल्लेबाजी होना चाहिए था बेधड़क, लेकिन बल्लेबाजी ऐसा देखने को नहीं मिला। कहते हैं ना कामयाबी की दरवाजा मैंने यही बताया कि उन्हीं के लिए खुलता है जो उसे खटखटाने की ताकत रखते हैं। अतुल सेठ मडवी साहब देखेंगे जितने जिक्र तारीफ करो, शायद इस मैच के बाद प्रसाद भूर सर जुड़ेंगे और इस टूर्नामेंट के लिए हमें काबिल समझने के लिए और तहदील से पूरी ऑर्गेनाइजर कमेटी अतुल सेठ मडवी साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। लेकिन ये मैच देखिए थोड़ा टीम है और उसके साथ 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 बात करेंगे तो यहां से जीतने वाली टीम और सरीमरी नागा और चैंद्र कड़ू देखिए बढ़िया मैच होगा। प्रशांत कड़ू ने देखिए पिछला मैच क्या कमाल के बल्लेबाजी की और गेंदबाज भी देखिए। आणि बाबूजी आपण पाहतोय ही मैच स्पर्धा सध्या एन्जॉय करतायत, ज्या खेळाडूच्या नावावरती अनेक 6 चेंडूमध्ये 6 षटकार लगावण्याचे विक्रम अनेक विक्रम आहेत, असा ज्या फलंदाजाची मैदानावरती एकीकाळी होती सत्ता असा वेशवीचा दत्ता जे सध्या मॅच पाहतात दत्ता कडू आणि त्यांच्या समवेत आणखी एक लेजंड खेळाडू चिरले टेनिस क्रिकेटमधील संतोष दादा मडवी हे सुद्धा ही मॅच पाहतायत, तर त्यांच्या दोघांच्या शुभेच्छा या स्पर्धेसाठी आल्यात, मनपूर्वक त्यांच्या शुभेच्छांचा आपण स्वीकार करूया आणि जाऊया मैदानाकडे।
चलिए आपने एक अच्छे खिलाड़ी की यादें ताजा दिलाई, दत्ता कड़ू। देखिए मैं इनकी बल्लेबाजी कभी देखा जब मैंने कॉमेंट्री शुरुआत किया, और उसके बाद उन्होंने काफी जल्दी मुझे लगता है क्रिकेट से दूर हो गए। रावे के मैदान के ऊपर मैंने उनका बल्लेबाजी देखा हूँ, क्या बल्लेबाजी कर रहे थे उस जमाने की बात करेंगे, प्रेम लारा कह सकते हैं हम। तो चलिए भाई कहानी में नहीं है ट्विस्ट, क्योंकि मैच हो गए एक तरफा। यहाँ पर प्रथम मात्रे देखिए, और मयूर दादा बात करेंगे टीम के ओनर, थोड़ी सी नाखुश रहेंगे, कोई बात नहीं क्रिकेट में होता रहता है। और यहाँ से देखिए बात करेंगे सुपर 12 में ये टीम पहुँचता हुआ, और प्रथम मात्रे जय मताड़ी दिगोड़ी टीम है बाहर के रास्ता हो गया, नकआउट मुकाबला था। अक्षय आकाश लेबन से देखिए खोपड़ी टीम, देखिए यहाँ से सुपर 12 में यहाँ से क्वालिफाई करता हुआ। और तो चलिए जयेंद्र कड़ू आइए अगला मैच टॉस के लिए, लेकिन चलेंगे इस मैच के मैन ऑफ द मैच की तरफ, उसके बाद चलेंगे प्रसाद सर की तरफ, और पूरी ऑर्गेनाइजर कमेटी का निश्चित रूप से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो चलिए इस मैच का मैन ऑफ द मैच आखिरी समय में तो चलिए बात करेंगे यहां पर क्या बल्लेबाजी देखने को मिली भाई। यहां पर 22 रनों का इनिंग्स आखिरी समय में, और जिन्होंने मैदान पर ऐसा लग रहा है बल्ला नहीं लिए थे, लिए थे जैसे लग रहा था डांडा, और वो थे बैटर दिनेश बंडा। आइए डांडा के साथ हमें छोड़ना चाहिए था दिनेश बंडा, आइए। और लग रहा था यहां पर विपुल जी लिए थे बहुत बड़ा डंडा, वो बैट था उनका। आइए दिनेश बंडा कमाल की बल्लेबाजी, 22 रनों का इनिंग्स आखिरी समय में, और क्या छक्का था।